वैसे भारत की परंपरा ऐसी रही है कि जब भी हमारे घर मेहमान आए तो उन्हें हम कुछ ना कुछ खिला पिला कर ही विदा करते हैं। लाइव इंडियन गार्ड की टीम आज मौजूद है रणधीर वर्मा चौक हनुमान मंदिर के समीप, जहां हम भूंजा दुकान पंडित भूंजा दुकान में मौजूद हैं। जोहार लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। लाइव इंडियन गार्ड आपको दिखला रहा है धनबाद की विरासत, और इसी विरासत की कड़ी में हम कैसे भूल सकते हैं पंडित भूंजा दुकान। दर्शकों की भारी मांग थी कि हम इस भूंजा दुकान को दिखलाएं, जिसकी कहानी लगभग 50 वर्ष पूर्व से ही लिखी गई है। वैसे तो हमारे पास स्नैक्स के कई ऑप्शन मौजूद हैं, और आज के जीवन में और आज के दैनिक दिनचर्या में पिस्ता मैगी, पास्ता मैगी और चौमिन, मंचूरियन, मोमोज ने वैसे तो हमारी थाली में प्रवेश कर चुके हैं या थाली में शामिल हो गए हैं, लेकिन भूंजा, जिसे एक खास सेक्शन सोसाइटी का बहुत प्रिय स्नैक्स समझता है, आज ये एपिसोड हमारे प्यारे चटोरों के लिए है जो लाइव इंडियन गार्ड के दर्शक हैं। ऐसे आपको देखकर क्रेविंग्स आने स्टार्ट हो गए होंगे कि भूंजा है, और भूंजा तो क्या उसके बाद आपका मन झालमुड़ी की ओर चला गया होगा। बिहार और बंगाल में अक्सर तनातनी रही कि मुढ़ी किसका है, तो बिहारियों का दावा रहा, जैसा कि कहा गया है, एक बिहारी सब पर भारी। वो कहते हैं कि भूंजा हमारी थाली का हिस्सा था, लेकिन किसी भी धर्म जात संप्रदाय से परे भूंजा जो है सबके जुबान पर चढ़ता है और बहुत ही स्वादिष्ट स्नैक्स है। चटपटेदार मसालेदार भूंजा हमारे घर रोजाना बनाए जाते हैं। झालमुड़ी रोज शाम को आज भी कई परिवार में बनाए जाते हैं, लेकिन आज पंडित भूंजा दुकान, जो कि धनबाद का विरासत है, उनसे जानेंगे उनकी कहानी कि जब व्यापार में, जब व्यवसाय में कई ऑप्शन मौजूद थे, तब उन्होंने भूंजे पर ही क्यों अपने व्यापार को टिकाया और क्यों भूंजे की कहानी को लिखी गई। चलिए दुकान के मालिक इंद्रदेव पंडित जी से खास मुलाकात में जानेंगे भूंजे की दिलचस्प कहानी। सर बहुत स्वागत है। सर जैसे आपका दुकान तो काफी पुराना है, हमें पता चल गया है, आप बताइए कि आपके दुकान में ये भूंजा कैसे आ गया? भूंजा पहले पिताजी पहले धंधा किए थे जी। उन्होंने बाहर से कलकत्ता से ही सीखे आए थे जी। तो हम लोग साथ में बचपन में थे जी। पढ़े लिखे बिहार से यहाँ आए जी। तो साथ में उनका सहयोग किए और इसी धंधा में पिताजी के साथ में जुड़ गए जी। अच्छा, जैसे सब कहते हैं कि ये बिहारियों का खाने का है भूंजा, आज भी बिहारी परिवार शाम के समय में या फिर बच्चे टिफिन में ले जाते हैं भूंजा, लेकिन अब इसकी संख्या कम हो गई है। आप बताइएगा कि क्या आप लोग भी बिहारी होने के वास्ते भूंजा से जुड़े? नहीं, सबको ही जुड़ा हुआ है, ऐसा बात ऐसा बात नहीं है कि सबको पसंद आता है। क्या है कि आजकल चौमिन, चप, सिंघाड़ा ये जो है आदमी को नुकसानदेह करता है, आदमी महसूस करता है खुद खाने के बाद में फील होता है कि हम खाए पेट भर के, लेकिन कल होके क्या हुआ कि पेट दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन चना ऐसा चीज़ है, सत्तू ऐसा चीज़ है कि इसमें आदमी को नुकसान करने का चीज़ नहीं है। सर जैसे आपके पिताजी तो ये व्यवसाय को शुरू किए, फिर आपका इसमें कैसे जुड़ना हुआ? उस समय तो आदमी किसी भी तरह का कोई जॉब कर सकता था या कोई और भी व्यवसाय कर सकता था, पर इसमें आपका मन कैसे लग गया? मन लग गया कि पिताजी अकेले थे जी। अब अकेले थे तो उनको सहयोग करना जरूरी था, पढ़ लिख मैट्रिक पास किए तो गरीबी हालत था। अब बोले कि इसी में जुड़ जा बेटा, अब कहीं भी अप्लाई किए तो कहीं भी नौकरी वोकरी हमको नहीं मिला जी। तो आपके बच्चे, जैसे आपने पिताजी को सहयोग किया, आपके बच्चे क्या आपको सहयोग करते हैं? अब ऐसा तो बच्चा लोग अभी सहयोग उतना थोड़ा बहुत करता है, ऐसा बात नहीं है। अब पढ़ा लिखा कहीं नौकरी तो मिल नहीं रहा है, अब छोटा मोटा धंधा है, इसमें इसी में हम लोग चल रहा है दाल रोटी।
अच्छा, जिस जगह पर आप बैठे हैं वो बहुत अलग जगह है, इस तरह का दुकान जो है अब जनरली नहीं दिखता है। यहाँ लोहे की सलाखें हैं, उसके पीछे एक छोटा सा घर है, इसको अगर कोई छोटा बच्चा देख ले तो जरूर यहाँ छिपने की कोशिश करेगा। ये कैसे हो गया सर, क्या आपने कोई बड़ा दुकान लेने की कोशिश नहीं किया इस जगह को और थोड़ा बड़ा? नहीं, लेने के लिए बहुत प्रयास किए लेकिन हमको दुकान मिला ही नहीं। इसमें लॉटरी सिस्टम हो गया, इस सामने वाला दुकान जो मिला ये सबको लॉटरी सिस्टम हो गया और हम लोग को दुकान नहीं मिल पाया पैसा के अभाव में। पहले जीएस बराड़ा का टाइम में हम लोग को दुकान मिला था, उसके बाद में बहुत दिन तक दुकान चला, अलॉटमेंट था, उसके बाद फिर मदन मोहन झा के टाइम में दुकान टूट गया, उसमें फिर केस उस लगा तो हम लोग भटकते रहे ऐसे इधर से उधर ठेला पर, बहुत गरीबी हालत रहा। उससे में कोहिनूर मैदान में खिचड़ी बना बना के लोग खाया, हम लोग भी खाएँ और उसकी तरह कितना दुकानदार बिखर गया, पर हम लोग जो हैं इसी जगह रह गए। तो रह गए तो फिर यही धंधा फिर ठेला में करते करते फिर धीरे धीरे जो। अच्छा सर, जैसे घर में आपकी वाइफ भी हैं, बच्चे हैं, कितना उनको ये पसंद आता है? जैसे आज के बच्चे हैं, मन में तो चिंता होती ही होगी, जैसे आप लोगों ने इतने अच्छे से संभाल लिया, अब आपके बच्चे इसको किस तरह से आगे ले जाएंगे, क्या वो इसी में शामिल रहेंगे या फिर भविष्य में और भी कुछ वो ऑप्शन तलाशेंगे? नहीं, बच्चे लोग थोड़ा सा बोलते हैं कि इसमें बहुत खटाली है, बहुत खटाली है और ये हम लोग से उतना हो नहीं पाएगा, तो जो कुछ जो जो करने लायक है वो थोड़ा सहयोग हमारा करता है। हमको भी पैर में फलेरिया है, हम बहुत ग्रसित हैं, बहुत कठिनाई है, पूरा सूजा हुआ है और हम दुकान हमारा बंद हो जाता है कभी कभी, बहुत दिक्कत में है। अच्छा सर, जैसे कैसे तो धनबाद में कई दुकान है लेकिन आपके दुकान को लोगों का प्यार बहुत मिला, आज भी लोग जो हैं आपके दुकान की तारीफ करते हैं, तो ये जो आज लोग मिलावट पर यकीन करते हैं बाकी दुकानदार पर, आपका सामान आज भी जस का तस है, तो ये भाव कैसे मन में आता है? ये सब बेईमानी वाला हिसाब किताब हमारे जीवन में आज तक नहीं आया। पिताजी पहले सिखाए थे और समझाए थे, देखो बेटा ग्राहक से मांग के खा लो, पर इसमें जरा सा भी त्रुटि नहीं होना चाहिए, जरा कोई कंप्लेन नहीं आना चाहिए, किसी तरह का ये नहीं होना चाहिए। सर, इतने सारे भुंजा में शरीर को सबसे ज्यादा क्या फायदा करेगा अगर कोई खाना चाहे, क्योंकि आजकल सबको गैस की समस्या है, पाचन संबंधी समस्या है या शरीर में कई तरह की बीमारियां भी हैं, आपको क्या लगता है कि क्या चीज को रोजाना अगर हम अपने खाना में आहार में शामिल करें तो फायदा करेगा? फायदा में मतलब आपको है चना और मकई, जैसे कच्चा चना हुआ और मूंग हुआ, ये सब मतलब मस्त है एकदम, बिल्कुल सुबह सुबह में। अच्छा, सुबह सुबह सर एक चीज और जानना चाहूंगी, जैसे जितने भी दुकानदार हैं वो झालमुड़ी सड़क के किनारे भी बेचते हैं, आपके दुकान का खैर बहुत नाम है, लेकिन एक चीज बताइएगा, आप किस दुकान के झालमुड़ी को पसंद करते हैं, अपने दुकान के ही झालमुड़ी को खाते हैं या कोई आप लोगों का कुछ अलग भी कोई पसंदीदा दुकान है? हम लोगों को पसंदीदा दुकान कोई पसंदीदा दुकान नहीं, अपने दुकान में जो हम लोग साफ सुथरा रखते हैं, जैसा हम लोग बनाते हैं कि हम लोग देखते हैं कि कहीं झालमुड़ी बनता है तो प्याज दिया तो नमक नहीं दिया, नमक दिया तो मिर्चा नहीं दिया, हम इतना ये नहीं देंगे, और धनिया पत्ता दिया तो इतना महंगा है तो धनिया पत्ता हम काहे देंगे आपको, प्याज ऊपर से काहे खिलाएंगे आपको हम, तो वो सब हम लोग नहीं देखते, हम लोग देखते कि नहीं मेरा ग्राहक खुश रहे, हमको जो भी त्रुटि हो जाए कोई बात नहीं है इसमें, हमको हमको थोड़ा सा कम फायदा हो मंजूर है पर मेरा ग्राहक खुश रहे हम। सर एक चीज बताइएगा, बगल में आपके छोटे भाई का भी दुकान है, तो कभी मन में ऐसा कंपटीशन का भाव, प्रतिस्पर्धा का भाव रहा कि उसके दुकान में ज्यादा कस्टमर है, या किसी दिन आप में अधिक कस्टमर हो गए उसमें कम हो गए, तो ये सब चीज जो है आप लोग किस तरह भावना में आता है, मन में आता है? कहने का मतलब है कि वो जो दुकान जो देख रहे हैं छोटा भाई का, जी जी जी। वो तो भाई को पढ़ाए लिखाए साथ में पहले उसी को रखे, अब जो देख लिया दुकान में तो फिर वो जो है सर अपना हिसाब किताब बोला कि नहीं भैया, पिताजी से दुकान जो है वो मांग लिया, बोला कि हमको दुकानें ही चाहिए, तो हम दुकान फिर छोड़ दिए, दे दिए छोटा भाई को, अब फिर हम अलग से ठेला में रहने लगे, कुछ दिन के बाद में फिर हम दुकान किए, तो हम लोग हमारे साथ साथ में थोड़ा सा मजबूरी आते गया, अब छोटा भाई है तो उससे हम क्या झगड़ा करेंगे, क्या लड़ाई करेंगे, भाई तो अपना ही, चलो भाई ठीक है तुम कमाओ खाओ बढ़िया से। अच्छा, सबसे पहले मतलब ये एक ही दुकान था जिस जो अभी दो टुकड़े में बट गया है भाई भाई के कारण। अच्छा एक चीज और बताइएगा, आप जो झालमुड़ी बनाते हैं उसकी तैयारी सुबह से स्टार्ट होती होगी, तो मतलब पत्नी हेल्प करती है, बच्चे हेल्प करते हैं, रोज करते हैं, और फिर रात में कितने, सुबह कब दुकान खुलती है और रात में कब तक खुली रहती है? रात में 10 बजे के बाद बंद हो जाती है, 10 से 10:30 बजे की दुकान हम लोग बंद कर देते हैं, और सुबह में 9 बजे
8:30 से 9 बजे खुल जाती है। सर एक चीज बताइएगा, क्या ये सच है, लोगों का कहना है कि लोग जब अपने हाथ से किसी चीज को बनाते हैं, खाने वाले सामान को, तो उसमें स्वाद नहीं लगता है? जैसे आप लोग रोजाना अपने ही दुकान के झालमुड़ी को खाएंगे तो आपको कुछ खास स्वाद नहीं लगेगा, लेकिन दूसरे जगह पे जाकर के जब पैसा देना पड़ता है तो उससे स्वाद बढ़ जाता है। क्या इस बात पर आप यकीन रखते हैं? बात सही है, थोड़ा सा मन में लगता है कि थोड़ा सा ये चीज हट के अलग से, मतलब है कि थोड़ा सा टेस्ट किया जाए कैसा है, तो उसको टेस्ट करता है लोग, तो देखता है बाद में अनुभव करता है कि थोड़ा सा इसमें है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा कि हम बनाते हैं। अच्छा एक चीज़ और बताइएगा, बृहस्पतिवार के दिन कई परिवार में भूंजा नहीं खाया जाता है, इसका क्या कारण है सर, कुछ पता है? बहुत से लोग बृहस्पतिवार को मानते हैं कि बेफे को भूंजा नहीं खाते, नहीं खाना चाहिए, मानते ऐसा मान्यता है, शुरू से मानते आया है। तो ये आपका भी परिवार मानता है इसे? आपका भी परिवार इस बात को मानता है? मानता है, सब लोग मानते हैं। तो उस दिन कम लोग आते होंगे, कम ग्राहक? बहुत कम, बहुत कम, बहुत उस दिन सेल नहीं होता उसे कम से। अच्छा और आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे, तीनों बेटा है या बेटी? 3 लड़का है 2 लड़की है। अच्छा 3 लड़का 2 लड़की, एक लड़की। बेटियों का शादी हो गया है? जी हाँ, एक लड़की मुंबई में है, एक तो यहीं भुल्ली में है। चलिए आप देख रहे हैं कहानियों के क्रम में कुछ छात्र मुझे मिल गए हैं। सर बताइए क्या कुछ कहना है आपका, भूंजा दुकान के बगल में खड़े हैं, भूंजा खाने आए हैं? नहीं बस देखने आए थे, घूमने आए थे, मॉल गए थे, घूम के आए हैं। मॉल गए थे तो कहाँ पढ़ाई करते हैं? के आई टी आई कॉलेज। अच्छा, तो कभी आज तक भूंजा खाए हैं जीवन में? हाँ खाए हैं। कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है। इनके दुकान में कभी खाए हैं? इनके दुकान में तो नहीं खाए हैं। नहीं खाए हैं, तो कभी इनका नाम सुने इनके दुकान का? नहीं सुने, पहली बार फर्स्ट टाइम आए हैं। फर्स्ट टाइम आए, तो ये जो बनावट है इसको देख के कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, लग भी रहा है थोड़ा अच्छा, एकदम घरेलू लग रहा है, लग रहा है कि घर के आसपास खड़े वैसा। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है घर तरफ। अच्छा हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहते हैं गाइस सपोर्ट करो और सब्सक्राइब और कमेंट फुल भर भर के करो। आप लोग करिएगा ना, बाकी लोग तो करेंगे, आप लोग कीजिएगा, बाकी लोग चलो आप कर भी रहे। देखिए कवरेज के दौरान बच्चे जो हैं, चलिए आपने कर दिया सब्सक्राइब, कर दिया। अब बताइए भूंजा खाते हैं? हाँ खाते हैं। इस दुकान का नाम जो है पूरे धनबाद में है, 50 साल पुराना दुकान है भूंजा का, तो क्या भविष्य में यहाँ आकर के झालमुड़ी खाना चाहेंगे? जरूर खाएंगे। और खाने में वैसे क्या पसंद है, नाश्ते में स्नैक्स, पिज्जा, बर्गर या फिर मोमोज? नहीं नहीं वो सब नहीं, ड्राई फ्रूट ही। ड्राई फ्रूट खाते हैं, चलिए ताकि दिमाग अच्छे से काम करे, शरीर अच्छा रहे। और जो बच्चे पिज्जा बर्गर खाते हैं भूंजा नहीं खाते, उनको क्या कहना है? क्या कहेंगे उनको, तरह तरह की बीमारियाँ भी तो होते, फैट भी होते ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा तो जितने भी मोटे बच्चे हो जा रहे, बीमार बच्चे हो जा रहे वो गलत खान पान के कारण? यस। चलिए ये आपके दोस्त लोग हैं, ऐसा तो नहीं कि ये लोग छुप छुप कर इस दुकान में भूंजा खाने आते और आपको बताते नहीं? ऐसा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मेरे ही साथ हो भी सकता है, हो भी सकता है, भरोसा नहीं है सर, ऐसा तो नहीं ना है कि दोस्तों? नहीं मैम, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए एक बार आप भी अपील कर दीजिए हमारे दर्शक, ताकि चैनल को सब्सक्राइब करें, दीदी को सपोर्ट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको कुछ बोलना है? ये टोपी क्यों लगाया है? बाल नहीं है, वो बाल नहीं है, चलिए अलग ही समस्या है। धनबाद की खैर, हंसी मजाक से परे, कई बार ऐसे दर्शक, लाइव इंडियन गार्ड हमारा चैनल नहीं है, हमारे दर्शकों का चैनल है, जिनके प्यार के बदौलत हम चल रहे हैं। और आज आप देख सकते हैं पंडित भूंजा दुकान, जिसके 50 सालों की कहानी को हम आज दोबारा सुन सके और जान पाए कि किस तरह आज के कंपटीशन में भी ये आराम से खड़े हैं, क्वालिटी के साथ, नो कॉम्प्रोमाइज। और अपने धनबाद का ये पुराना विरासत है, तो धनबाद घूमने वाले जब भी धनबाद आइएगा, इस दुकान से ज़रूर भूंजा खाइए, झालमुड़ी खाइए और बताइएगा ज़रूर। हमें भी इंतज़ार रहेगा कि हम इंडियन गार्ड के वीडियो को देख करके आज पंडित भूंजा दुकान पहुंचे हैं। लोकेशन कहाँ है तो मैं बता दूँ, रणधीर वर्मा चौक हनुमान मंदिर के समीप पंडित भूंजा दुकान, आप जरूर आइए और यहाँ भूंजा का आनंद लीजिए। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।